नमस्कार, मैं राजेश टोप्पू, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे जॉय परिवार। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उभरती हुई एक महान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डे जॉय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की प्रोफाइल के बारे में। डे जॉय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत हुई अगस्त 2019 में राजस्थान के कोटा शहर से। कंपनी की हेड ऑफिस राजस्थान कोटा में है। डे जॉय की मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनमोल अग्रवाल सर एंड मिस्टर दिव्यांश अग्रवाल सर हैं। डे जॉय की मदर कंपनी का नाम है एडिला ग्रुप ऑफ कंपनीज। एडिला ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसके चेयरमैन है मिस्टर शंभू अग्रवाल सर, जो डे जॉय कंपनी के एमडी अनमोल सर एंड दिव्यांश सर के पिता है। एडिला ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करें तो इसके अंदर कई सारे इंडस्ट्रीज और कंपनी के ब्रांड्स हैं, जैसे मल्टी मेटल्स, एडिला, कोटा दालमीर, ओरिलाइट, हरमोसा, अन्नपूर्णा रसोई, ओरिएंटल पावर केबल, यमदम, क्योरिन, आयुष्मान, अस्तप्रास, मॉम, प्लाईवुड इंप्रेशन, वेल्ड माउस, जीवन संबल, जिसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स केवल फैक्ट्री NH-12 कोटा टू झलावार रोड के किनारे मौजूद है, जो 400 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर फैला हुआ है। एडिला ग्रुप ऑफ कंपनीज का पहला इंडस्ट्री का नाम है मल्टी मेटल प्राइवेट लिमिटेड, जो मिलियन डॉलर की कंपनी है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं कॉपर, कॉपर एलॉय प्रोडक्ट, कॉपर ट्यूब एंड पाइप्स, एल्यूमिनियम ब्रश आदि। मल्टी मेटल प्रोडक्ट्स की यूज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होते हैं, शुगर एंड केमिकल फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर्स के लिए यूज होता है, पावर प्लांट्स एंड डेसिलेशन प्लांट्स में यूज किया जाता है एंड डिफेंस एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है। यह कंपनी का टाई अप जापान की एसी बनाने वाली कंपनी हिताची के साथ है और भारत में जितनी एसी बनाने वाली कंपनी उनको मेटल की पाइप उपलब्ध कराती है। मल्टी मेटल्स कंपनी को निर्यात क्षेत्र में 13 बार एक्सलेंसी अवार्ड भी मिल चुका है। भारत के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे इसके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे यूके, नेदरलैंड, जर्मनी, स्लोवाकिया, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट जैसे देशों में। साथ ही साथ भारत में कई सारे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स में भी इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे एबीबी, भेल, गोदरेज, एलएनटी, एचपी, इंडियन ऑयल, एलजी, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, वर्लपूल, वीडियोकॉन, टाटा पावर जैसे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स में मल्टी मेटल्स की प्रोडक्ट यूज होते हैं। ऐसे ही और एक बड़ी इंडस्ट्री है कोटा दाल मिल। कोटा दाल मिल जिसकी शुरुआत ही 1976 ईस्वी में और आज सक्सेसफुली रन कर रही है। कोटा दाल मिल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है हाई क्वालिटी की फूड प्रोडक्ट्स, जैसे आटा, मैदा, सूजी, बेसन, दालें आदि। इनके मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है स्वस्तिक आटा, जो आज भारत प्रसिद्ध आटा है। ये सारे प्रोडक्ट्स अब डे जॉय में आ रहे हैं। कालाखेत रावलभाटा, जी हाँ, कालाखेत रावलभाटा डे जॉय कंपनी का एक प्रसिद्ध फार्म हाउस है। यह फार्म हाउस लगभग 900 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। इस फार्म हाउस में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, मसाले, फसलें आदि खेती की जाती है। यहाँ पे 1.5 लाख से भी ज्यादा अनार की पेड़ लगे हुए हैं, जिसके उपयोग वेलनेस प्रोडक्ट में किए जाते हैं। इनकी और एक बड़ी इंडस्ट्री है एडिला बायोटेक, जो एक रेपुटेड मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्बल सप्लीमेंट्स एंड एक्सट्रैक्शंस, FMCG प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। कंपनी के हाईटेक मशीनरी जो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को एश्योर करते हैं, एक ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्यूरिन ब्रांड, जो डे जॉय कंपनी का हेल्थ केयर ब्रांड है, जिसमें कई सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जैसे लीविज, HB+, गेसोफ्री, तुलसी मैक्स, एडिला फोटे, एनस्थिल, ऑर्थोफिक्स, हाई एनर्जी, एडिकेडियल, एडिलिपो आदि। यह सारे उत्पाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और हाइजीन को देखते हुए एथिक्स फार्मा के को फाउंडर साइंटिस्ट मिस्टर योगेंद्र चौधरी जी के द्वारा क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्ट करके वेलनेस प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं। क्यूरिन ब्रांड के सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स 3 स्टेज से बनते हैं। स्टेज 1 में ड्रग डिस्कवरी होता है, स्टेज 2 में प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट किया जाता है, स्टेज 3 में क्लिनिकल डेवलपमेंट किए जाते हैं। और क्लिनिकल डेवलपमेंट करते समय 5 पॉइंट पे ध्यान दिया जाता है, इफेक्टिव ऑन बॉडी, सेफ्टी इन ह्यूमंस, इफेक्टिवनेस एंड ट्रीटिंग डिजीज, लार्ज स्केल सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस एंड लॉन्ग टर्म सेफ्टी। अस्तप्रास, अस्तप्रास एडिला बायोटेक का एक मोस्ट पॉपुलर हेल्थ केयर ब्रांड है, जो पिछले कई वर्षों से पूरे भारत में ये प्रोडक्ट उपयोग किए जा रहे हैं, स्पेशियली लॉन्ग्स की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए,
अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, इम्यून को बूस्ट करने के लिए, साथ ही साथ कई सारे डिजीज में इसका उपयोग किया जा रहा है। अडीला बायोटेक हेल्थ केयर ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो टैबलेट 1 लाख पर डे मैन्युफैक्चर होते हैं, सिरप फिलिंग एंड सीलिंग 30,000 पर डे, कैप्सूल 30,000 पर डे, टैबलेट कोटिंग 1 लाख पर डे, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग 5,000 लीटर पर डे। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है एडिला एग्रो फूड एंड लग्जरी, जिसमें आता है यमदम ब्रांड। यहाँ मैन्युफैक्चर होता है 60 टाइप्स ऑफ स्नैक्स, फ्रीम्स, चिप्स, नमकीन एंड जूसेस, जैसे पीनट्स, पोटैटो चिप्स, पॉपकॉर्न, जीरा पापड़, मिक्सचर, खट्टा मीठा भुजिया आदि। इन सारे प्रोडक्ट्स को क्वालिटी और हाइजीनिक बनाने के लिए कंपनी ने एडवांस स्केल डिहाइड्रेशन प्लांट लगाए हैं, जो साउथ एशिया के सबसे बड़ा डिहाइड्रेशन प्लांट माना जाता है। इनके और एक ब्रांड है आयुष्मान ब्रांड, जहां बनते हैं हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक टेस्टी स्पाइसेस, जैसा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, चिकन मसाला, गरम मसाला, पनीर मसाला आदि। एडिला एग्रो फूड एंड लग्जरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो यहां हल्दी 1 टन पर आवर, धनिया 1 टन पर आवर, मिर्ची 1 टन पर आवर, डिहाइड्रेशन यूनिट 500 kg पर आवर, फ्रीम्स 300 kg पर आवर, चिप्स 500 kg पर आवर, बेसन्स 2 टन पर आवर, जूसेस 10 टन पर आवर, नमकीन 1 टन पर आवर है। वाइल्ड मेउस कंपनी का एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, जिसमें कई सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, जैसा स्किन व्हाइटनिंग लोशन, हेयर ट्रीटमेंट ऑयल, बैथिंग सोप, शैम्पू, फेशियल किट्स आदि। कंपनी का और एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है मोम ब्रांड, जिसके इंडस्ट्री का नाम है एलिमेंटो। यहां बनते हैं रेडी टू ईट फूड, जिसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफी हाईटेक है। यहां बनते हैं हर तरह के मील्स, जैसे नाश्ता, पोहा, इडली, खाना, बिरयानी, राजमा चावल, जो बनते हैं फ्रेश वेजिटेबल और डेलिशियस स्पाइसेस के साथ। हाइजीन को ध्यान में रखते हुए यहाँ का कुकिंग प्रोसेस में ओनली हाईटेक मशीन्स काम करते हैं। ये मील रेडीमेड होते हैं, डिब्बे पे पैक्ड होते हैं, बस ढक्कन खोलो, गर्म पानी डालो, 8 मिनट में मील्स रेडी। मोम की प्रोडक्ट एयरवेज के अंदर उपलब्ध किया जाता है, साथ ही साथ दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो स्टेशन में भी उपलब्ध किया जाता है। उसके बाद अन्नपूर्णा रसोई प्रोजेक्ट, जो लोगों को पौष्टिक भोजन खिलाते हैं। राजस्थान, MP, गुजरात, UP, झारखंड में भी इनके भोजन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खिलाया जा रहा है। पूरे राजस्थान में इनके करीब 700 वैन चलते हैं, जो घूम घूम के सब्सिडाइज रेट में लोगों को पौष्टिक भोजन मुहैया करवाती है। ब्रेकफास्ट 5 रुपये में, लंच और डिनर 8 रुपये में। पूरे राजस्थान में प्रतिदिन 2 लाख से भी ज्यादा लोग इसके लाभ लेते हैं। अन्नपूर्णा रसोई प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन राजस्थान के चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे जी ने किया था। इसका उद्घाटन करते हुए ये अभिव्यक्ति की है, थ्रू वैन्स हम लोग 12 डिस्ट्रिक्ट में 80 जगह पे शुरू कर रहे हैं आज। और एजेंसी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, मिस्टर अग्रवाल, आप लोग सब यहाँ हो, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेन्यू भी मैंने देखा है, जहाँ 1 या 2 मेन्यू लोग देते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग आपके वैन पे आएंगे खाना खाने के लिए। प्लाईवुड इम्प्रेशन, जो प्लाईवुड ब्रांड है, जिसमें बनते हैं ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, डोर्स और भिन्न भिन्न प्लाईवुड के काम किए जाते हैं। इनके ब्रांड में से और एक बड़ा नाम है ओरी लाइट, ए न्यू एस बिल्डिंग सॉल्यूशन, फास्टर, ड्यूरेबल, इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन विद WSA पैनल एंड ब्लॉक्स। WSA पैनल्स की एक ऑटोमेटेड प्लांट, हर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में आजकल यही यूज होते हैं। इसमें 2 कंपनी है, एक ओरी लाइट जो बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कराती है और दूसरा है ओरी लाइट लाइफ स्पेसेस, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। कंपनी के एक लग्जरी फर्नीचर ब्रांड है हरमोसा, जो टेक्निकली एक्सपर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, हर एंगल से बड़ी खूबी से बनाए जाते हैं, जिसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं और आज एशिया के टॉप फेमस ब्रांड में से एक है। हरमोसा फर्नीचर डिजाइनर ब्रांड, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है बॉलीवुड सनसनी एक्ट्रेस दिशा पाटनी। सो माय डियर फ्रेंड्स, डेजो कंपनी का बहुत बड़ा बैकग्राउंड और प्रोफाइल है, 58 ईयर्स ओल्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस एंड मार्केटिंग की एस्टैब्लिशमेंट, हर कोई जो डेजो में जुड़ रहा है उनकी सफलता के लिए एश्योर कराती है, जहां पे हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कांस्टेंट काम करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। कंपनी के खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी
फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग है, 58 इयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस कंपनी है, भारत सरकार की हर लीगल सेक्टर से कंपनी लीगल है, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी या लीगलिटी हो या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का गाइडलाइन हो, डेजो कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, जो सीरियल नंबर 446 में गवर्नमेंट की साइट में आप चेक कर सकते हैं, और फिडसी के प्राउड मेंबर भी है। फिडसी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। और समय समय पे भारत सरकार की ओर से जो भी रूल एंड रेगुलेशन आएंगे उसके तहत अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार है। सो ये रहा डेजोई की प्रोफाइल। प्रोडक्ट्स के लिए डेजोई की विजन है, सुबह से लेकर शाम तक यूज होने वाली सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराएंगे, जिसके लिए डेजोई कंपनी हर महीने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रही है। और बिजनेस प्लान यानी इनकम प्लान भी इतना जबरदस्त है कि आप अपने बड़े से बड़े सपने को डेजोई में काम करके पूरा कर सकते हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल में भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देर किस चीज की, जस्ट डिसीजन लीजिए और बड़े रूप से काम करना शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच।